आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर माध्य अगर आपको दिया गया है और अगर आपको दो बारंबारताएं नहीं दी गई हैं तो उनका मान कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस टाइप का सवाल आता है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरीके सीखेगा। और अगर आपने सभी क्लासेस नहीं देखे हैं, जो भी क्लासेस इसमें प्रोवाइड की जा रही है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिखाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे है कि समांतर माध्य जो है वो 50 दिया गया है, m m आपको पूछा गया है, यहाँ पर n ये बारंबारता पूछी गई है दो की, और आपको बारंबारता का योग दिया गया है 120, ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल मिल सकता है आपको देखने के लिए एग्जाम में। और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपका कुछ और लिखा हो, m n की जगह पर मान अलग अलग हो सकते हैं, जो एम एन लिखा हुआ है ना यहाँ पर आपके मान अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एम एन यहाँ पे ये जो मान आपके ये मान अलग हो सकते हैं, ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मान अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बातों को समझना है, समझते हुए चलना है, सारे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर हमें जो जो चीज़ दी गई है, हमें दिया गया है वर्ग अंतराल, हमें यहाँ पर दिया गया है बारंबारता। चलिए हम दोनों चीजों को नोट करते हैं, यहाँ पर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ये लिखा हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये तो है 100, तो यहाँ तक 17 m, 32 n, आगे देखो 17 कलर चेंज कर ले इसका, 17 m, 32 n, 19, ये आपका बारंबारता यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए समांतर माध्य वाला चीज़ है यहाँ पर, तो हम लोग समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं मध्यमान, क्या करते हैं मध्यमान निकालते हैं, तो मध्यमान निकालेंगे पहले, क्या काम करेंगे हम लोग मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान क्या होता है, ये मैंने आपको सवाल जो बताया था उसमें बताया था, इसे x कहते हैं, और पहला दूसरा जोड़ो, पहले 0 20 कितना हो जाएगा 20, इसका आधा कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, 20 40 कितना हो जाएगा 60, इसका आधा 30, 40 60 80, जो 100 100 का आधा 50, 140 का आधा 70, मतलब बढ़ाते जाओ 90 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, मध्यमान निकाल लिया है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सवाल देखते हैं थोड़ा सा पीछे, हमें यहाँ पे समांतर माध्य दिया गया है 50, m और n का मान पूछा गया है, और बारंबारता का योग दिया गया है 120, दो चीज़ें दी गई हमें, ठीक है। तो पहले चलिए हम बारंबारता का योग करते हैं, यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका जो लिखा हुआ है ना गिनती लिखी हुई है, 1 17, 1 32, 1 19, तो सिर्फ 17 32 19 को जोड़ लीजिएगा आप लोग, इसको किसको, 17 को जोड़ेंगे प्लस 32 को जोड़ेंगे प्लस 19 को जोड़ेंगे, तो 17 32 19 को जोड़ लो, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 68, प्लस बचा क्या आपका m बचा, तो m लिख लेंगे अब जोड़कर, प्लस n बचा तो n लिख लेंगे अब, ठीक है। ये जोड़ लिया हमने इसको टोटल, इसको लिख दें सिग्मा f, ये बारंबारता का जोड़ निकाल लिया, क्लियर बात। सवाल में आपसे कह दिया गया है, कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है देखो, कि बारंबारता का जो योग है वो कितना है, 120 है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि सिग्मा एफ बारंबारता का योग है 120, हमारा जोड़ने पे आया कितना, लिख लो यहाँ पर कि 68 प्लस एम प्लस एन, यही तो आया बराबर 120, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि एम प्लस एन बराबर 120 माइनस का 68, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 120 माइनस का 68, क्लियर। तो आपका देखिए यहाँ पर आएगा m प्लस n इक्वल टू आ जाएगा आपका 52, कितना आ जाएगा 52, समीकरण एक डाल दीजिए इसको, छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है, यहाँ तक काम खत्म। समांतर माध्य के लिए क्या बात होती है, अब देखो थोड़ा सा समझना आप लोग, ये स्टेप हम बाद में भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके हल कर सकते हैं, तो चाहे पहले कर लें लेकिन बाद में, यहाँ पर एक स्टेप अभी हो जाएगा, ठीक है, बता दिया आपको क्योंकि आपका योग किया, तो मैंने आपको इस साथ में इसको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आगे, अब हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, यहाँ पर निकालो 17 का 10 में गुणा करो, 17 10 57 170, 30 का एम में करो क्या हो जाएगा 30 m,
50 का 32 में करो कितना हो जाएगा, 32 का 50 में करो यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 32 50 1600 हो जाएगा। 70 का आप करो एन में, 70 का जब आप लोग एन में करेंगे तो कितना जाएगा, 70 एन हो जाएगा। और आप जब 19 का 90 में करेंगे, 19 नेमा 171 तो ये 1710 हो जाएगा, 1710। अब जरा सिग्मा एफ एक्स निकाल लो आप लोग, इसका जोड़ निकाल लो, देखो कितने बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल लग जाएगा, ठीक है, आसान तरीके से। अब देखो जितनी भी गिनतियाँ हैं, गिनतियों का जोड़ना है सिर्फ, बस अच्छों को नहीं जोड़ना है, 170 को जोड़ना है। देखो 1710 हो गया आपका, और आपका 1600 हो गया, और आपका हो गया यहाँ पर 170, बस तीन को जोड़ लेना है आपको। तो कितना हो जाएगा, तीन को जोड़ेंगे जब हम लोग तो हो जाएगा आपका 3480। किसको किसको, 170 को, 1600 को और 1710 को, 3480 हो जाएगा आपका। और इसके बाद में जो है बचा आपका 30 m बचा हुआ है आपका, 70 n बचा हुआ है, 70 n इतना ये बचा हुआ है, यो ये आ गया यो। अब देखो कंडीशन क्या होती है, इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग फार्मूला, देखिए क्या होता है आपका फार्मूला, होता है कि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य फार्मूला देखिए होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये होता है। अब देखो एक्स बार का मान कितना दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि समांतर माध्य कितना है, 50 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स बार का मान हमें दिया गया है 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स, ये मान दिया गया है हमें, इसको लिख लो 3480 प्लस 30 m प्लस 70 n और अपॉन में यहाँ पर सिग्मा एफ का मान कितना है, 120, तो 120 लिख लो बेटे में यहाँ पर एक कर लो, ठीक। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे इसमें, ठीक है ऐसे। तो पहले तो इसको नोट कर लो, 3480 प्लस 30 m प्लस 70 n, ये हो जाएगा आपका 3480 प्लस 30 m प्लस 70 n, एम लिख लिया यहाँ पर, बराबर 50 का 12 में करेंगे, 12 × 5 = 60 और 0 लगा देंगे, बराबर 60 × 0 6000, इतना आ जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 30 m प्लस 70 n इक्वल टू 6000 माइनस 3480, ठीक है, 6000 से 3480 को माइनस करना है तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 30 m प्लस 70 n इक्वल टू, ये बचेगा आपका 2520, घटा के देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सभी में 10 से भाग कर दो आप लोग, आसान रहेगा आपके लिए, सभी में 10 से करो भाग, जो काम सभी में 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 m प्लस 7 n बराबर 252, ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा आपका। इससे पहले एक समीकरण आपका ये बन चुका था यहाँ पर कि m प्लस एन बराबर 52, और दूसरा बन गया आपका 3 m प्लस 7 n बराबर 252, एक देखो 52 का, एक 252, देखो समझ रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लिखते हैं समीकरण एक समीकरण दो, दोनों लिख लेते हैं, समीकरण पास में ही लिख लेते हैं, देखो समीकरण दो लिखा हुआ है, पास में एक लिख लेते हैं, m प्लस एन बराबर 52, हम लिख लेते हैं कि m प्लस एन बराबर 52, ये समीकरण नंबर एक था, वहां से उठा के मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें, यहाँ पे 3 m है, यहाँ पे सिर्फ m है, यहाँ पे 7 n है, यहाँ पे केवल n है, हम लोग क्या करें, अगर समीकरण में गुणा कर लें, अगर समीकरण जो है आपका पहला इसमें गुणा कर लें तो उसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लें तो लिखें समीकरण 1 व 2 से, 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 3 m प्लस 3 n बराबर 3 × 6 = 15 156, फिर दूसरा देखें 3 m प्लस 7 n बराबर 252। देखिए यहाँ पे 3 m प्लस का, यहाँ प्लस का समान चिन्ह जब होता है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटाने पर घटा देंगे, अगर विपरीत चिन्ह होते तो जोड़ लेते हैं, समान चिन्ह घटा देंगे तो घटा देंगे, इसको इसको भी ये कैंसिल, 3 से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 4 n बराबर, और आपका जब 252 से जाएगा 156 तो कितना बचेगा, 96 माइनस का 96, माइनस से आपका माइनस कैंसिल, एन का मान आपका जाएगा 96 बटे 4,
चार से काटो, चार दूनी आठ, चार छको 16, 24। यहाँ पे लिख दें हम लोग कि n का मान आपका आ गया है 24। अब मान निकालना है, m का मान निकालना है समीकरण एक से। पहला समीकरण था m प्लस n बराबर 52, m प्लस n का मान है 24 बराबर 52, m बराबर हो जाएगा 52 माइनस 24, m बराबर 28। तो m का मान आ गया आपका 28, अतः लिख देंगे अतः m बराबर 28 कामा n बराबर 24। तो यहाँ पर आपके n m के मान आ गए। यहाँ पर m n की जगह पे क्या कर सकते थे आपको, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये घुमा सकते थे क्या, कि यहाँ पर m n ना देकर ये थोड़ा सा चेंज कर सकते सवाल को। ये इन्होंने यहाँ पर m n दिया है ना, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये m m लिख दिया, यहाँ पर ये m लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने n लिख दिया। तो m n ना लिख कर यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ये f1 f2 कर सकते थे। F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए, फिर भी आपका सवाल लग जाता। सवाल लगाने का तरीका सिर्फ यही है, समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान, एफ एक्स का मल्टीप्लाई, ये सिग्मा एफ एक्स निकालने के बाद क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगा, और सिग्मा एफ के लिए भी आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगा है। तो इस प्रकार से जब आपके दो समीकरण बनेंगे तो उनको सॉल्व कर लिया जाएगा और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले आपको मैंने कई सवाल पढ़ाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने उन सवालों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप लोग सारी वीडियो को देखिएगा और अपना स्कोर आप बेहतर कर सकते हैं, यकीन मानिए आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।